मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द सिक्स्थ पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो बिफोर गोइंग टू डू दिस पैराग्राफ आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ कॉमेंट वट एवर यू नीड अ हेल्प और एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर चैप्टर और सब्जेक्ट यू कैन आस्क फ्रॉम मी. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द सिक्स्थ पैराग्राफ. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiya radhiyallahu anha reported Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. Okay, we'll do the words meaning now. Demand. तकाजा करना या मुतालबा करना, तकाजा करना या मुतालबा करना. सर्कमस्टेंसेस, हालात, अफेयर, मामला, अपहोल्ड, बरकरार रखना, आर्ग्यूमेंट्स, दलाए, डेस्टिट्यूट means muffless. Okay, now we'll do the translation. Justice demands that it should be upheld in all the circumstances. Insaaf ka taqaza hai ke use tamam halaat mein barqarar rakha jaye ya qaim rakha jaye. Even if it goes against one's own self or one's family or relations. ख्वाह ये अपने, owns का मतलब है अपने, own self का मतलब अपने. ख्वाह, even means ख्वाह, ख्वाह ये अपने, अपने ख़ानदान, one's family, अपने ख़ानदान और या relations रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, against ख़िलाफ़. दोबारा से रिपीट करूँगी, इंसाफ का तकाजा ये है कि ये इसे तमाम हालात में कायम रखा जाए. ख्वाह ये अपने, अपने ख़ानदान या अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो. ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों के मामलात के फ़ैसले की बुनियाद जो फ़ैसले की थी उसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी. ठीक है, अफेयर्स मामलात, पीपल्स लोगों के मामलात विद जस्टिस इंसाफ के साथ.
तो अपनी तमाम ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ़ की बुनियाद जो है वो इंसाफ़ पर रखी एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने साथियों से भी यही कहा कि वो इंसाफ़ पर कायम रहें, टू बी जस्ट कि वो इंसाफ पसंद हो या इंसाफ़ पर कायम रहें। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दैट अल्लाह रसूल सेड टू हिम, हज़रत अली से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने उनसे फ़रमाया, हज़रत अली से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, कि जब दो लोग तुम्हारे पास फ़ैसले के लिए आएँ, जजमेंट मीन्स फ़ैसले, जब दो लोग तुम्हारे पास फ़ैसले के लिए आएँ, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर, तो किसी एक के हक में फ़ैसला ना सुना दो जब तक दूसरे की दलाइल को ना सुन लो, इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रुथ, हो सकता है कि इस तरह तुम या इस ये इंतहाई मुमकिन है, यहाँ पे ना इट इज़ देन का मतलब है इंतहाई मुमकिन है कि तुम सच को जान लो, यू नो द ट्रुथ कि तुम सच को जान लो। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्टेड अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ सेइंग, हज़रत माविया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रवायत, रिपोर्ट का मतलब है रिवायत, तो अल्लाह के रसूल की रवायत इस बारे में फरमाते हैं, एनी रूलर और जज हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, कि अगर कोई हुक्मरान या मुनसिफ, यहाँ पे और जज लिखा है ना, जज मींस मुनसिफ, अगर कोई हुक्मरान या मुनसिफ हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, अपने घर के दरवाज़े को किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद या मुफलिस के लिए बंद करता है, आई रिपीट अगेन, एनी रूलर और जज हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स मुफलिस, नीडी मीन्स ज़रूरतमंद और पुअर मीन्स गरीब, अगर कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ अपने घर के दरवाज़े किसी गरीब ज़रूरतमंद या और मुफलिस इंसान के लिए बंद करता है, अल्लाह क्लोजेज डोर ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, तो अल्लाह उनके लिए अपने दरवाज़े बंद कर देता है जब वो ज़रूरतमंद और मुफलिस हों। ओके, सो यू हैव टू रिवाइज द होल पैराग्राफ थोरली विद ट्रांसलेशन, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ कॉमेंट, थैंक यू।